Assalamualaikum class 3. Today we are starting our day 3, week 3. Our first subject is English A. In previous lecture we have done our reading and words meaning. Today we are going to do question answer of unit 2, the wooden bowl. You have to write this question on your copy. The first question is, where did the family live? The family lived in a small town, Germany. क्वेश्चन था कि फैमिली जो थी कर्ट की वो कहाँ रहती थी, तो वो फैमिली जर्मनी के स्मॉल टाउन में रहती थी, छोटे कस्बे में. क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हाट डिड मैनफ्रेड डू फॉर अ लिविंग? मैनफ्रेड जो था वो रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए क्या करता था, मतलब क्या कमाता था? मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर, ही मेड फर्नीचर एंड डिड सम कैरविंग, ही सोल्ड दीज थिंग्स टू द पीपल इन द टाउन. मैनफ्रेड जो था वो एक कारपेंटर था. कारपेंटर कहते हैं जो लकड़ी से काम करते हैं, जो कैबिनेट्स और शेल्फ्स वगैरह बनाते हैं. ही मेड फर्नीचर एंड डिड सम कैरविंग, लकड़ियाँ काटता था और उससे फर्नीचर बनाता था और फिर उनको टाउन में जाकर, शहर में जाकर बेचता था. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, हु वॉज थेक्ला? थेक्ला वॉज मैनफ्रेड्स वाइफ, विलियम्स मदर एंड कर्ट्स डॉटर इन लॉ. थेक्ला जो थी वो मैनफ्रेड की बीवी थी, विलियम की माँ थी और कर्ट जो था उसकी डॉटर इन लॉ थी. ये क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पे करने हैं, इसी तरह आपको सारा रेडी करना है. नंबर टू द वुडन बाउल नेम लिखकर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखकर, देन क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री. वर्ड्स मीनिंग भी आपको अच्छी तरह से याद करनी है और क्वेश्चन आंसर्स भी. Our next subject is science. We are doing unit number 2, health and safety. Today we have to do question answers of unit number 2. You have to ready your copy like this and then start question number 1. What makes a balanced diet? Ek balanced diet kis tarah banti hai? A balanced diet is having the right amount of food and drink to achieve and maintain a healthy body weight. Balanced diet jo hai wo food ki aisi amount या ऐसी मकदार खाने से बनती है जिससे आपके प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस एंड विटामिन्स जो हैं बॉडी को आपको कंप्लीट प्रोवाइड करती हो. ऐसा फूड बैलेंस्ड डाइट होता है. क्वेश्चन नंबर टू इज, विच टाइप्स ऑफ फूड आर हेल्दी? कौन से टाइप के जो फूड्स हैं वो हेल्दी होते हैं आपके लिए? ग्रेन्स मतलब अनाज, आटा, चावल वगैरह, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर द बॉडी एंड कैन बी ईटन इन लार्ज क्वान्टिटी. ये बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मकदार में खाए भी जा सकते हैं. जैसे फ्रूट्स हैं आप ज़्यादा सारे खा सकते हैं. फैट्स शुड बी कंज्यूम्ड इन स्मॉलर क्वान्टिटी. जो फैट्स होते हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, उनको हमें थोड़ा लेना चाहिए, खाना चाहिए, बट आर पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट. बट फैट्स हमें अपनी इस तरह होनी चाहिए हमारी फूड में कि कम हो लेकिन हो, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं. आपको ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी पे नीटली इसी तरह लिखने हैं जैसे यहाँ लिखे हुए और फिर इनको याद करना है. हमारा अगला सबक है उर्दू ए. आज हमें पढ़ना है सबक जानवरों से बर्ताव, पेज नंबर 13 पर. सबसे पहले आपको इसकी रीडिंग करनी है टू और सारे चैप्टर के खुद से. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं 14 पर. यहाँ पे आपके पास है दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए. आपने इसे सॉल्व करना है. आपके नोट्स में इनके आंसर दिए गए हैं. सबसे पहले आदमी को सफ़र के दौरान कुआं नज़र आया, यहाँ पर आएगा कुआं. आदमी को डैश में सख्त प्यास लगी, रास्ते में आदमी डैश में पानी भर कर लाया और कुत्ते को पिलाया. मोजे में जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी हमें डैश मिलेगा, सवाब मिलेगा. उसके बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे है जुमलों में दिए गए अल्फाज की जमा लिखें. यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए गए आपने इनकी जमा बनाकर यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. पहले ज़माने में लोग ऊँटों पर सफ़र करते थे, डैश के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, जानवरों के साथ. यहाँ जानवर है, आपने जमा करके जानवरों लिखना है. तीनों डैश ने मिलकर मिलजुल कर माँ बाप की खिदमत की. भाई यहाँ पे जमा हम लिखेंगे तीनों भाइयों ने मिलकर. किसान बहुत खूबसूरत डैश की जोड़ी लाया. बैल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलों की. मोहल्ले के बहुत सारे डैश में कुर्बानी के जानवर आए. घरों में घर लिखा हुआ है, आपने इसको घरों में करना है. नेक्स्ट पेज नंबर 16 पर आपके पास है मुदर्जा ज़ैल अल्फाज के बयानिया जुमले बनाकर खात्मा. यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क या फिर खत्मे का निशान होता है. उर्दू में जब आप किसी सेंटेंस को कंप्लीट करके ये लगाते हैं, ये
इसको हम कहते हैं खत्मे का निशान। इसका मतलब होता है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब आपको बनाना होता है सवालिया, मतलब किसी को आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसके आगे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो आपने यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पे जो बयानियाँ हैं उनको जो खत्म वो हैं पॉजिटिव हैं उन पे खत्मा लगाने हैं, और जो सवालिया निशान है उन पे क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। आप सबसे पहले आपके पास है दरवाजे पर कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। आम बहुत मीठा है, ये मतलब वो आपको बता रहे हैं पॉजिटिव है कि क्वेश्चन नहीं किया गया, तो यहाँ पे आपने लगाना है खत्मे का निशान। उसके बाद तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे आगे आएगा क्वेश्चन मार्क। फिर दादी कब आएंगी, ये भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। मेरे दो बड़े भाई हैं, ये स्टेटमेंट है, ये आपको बताया गया है तो यहाँ आपने खत्मे का निशान लगा देना है। मैंने नज़म याद कर ली है, ये भी एक स्टेटमेंट है तो आपने यहाँ पे भी खत्मे का निशान लगा देना है। उसके बाद आपने इसके मंदरजा ज़ैल अल्फाज के बयानिया जुमले बनाकर खत्मा लगाएं, ये भी वही होगा। ये गुलाब का फूल है किताब, ये उर्दू की किताब है, आगे आपने खत्मे का जो निशान है वो। बाजार, बाजार में रश है। कहाँ, यहाँ पे आपने क्वेश्चन वाले बनाने हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों, अली को गुस्सा क्यों आया। इसके साथ आपने ये क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पे अल्फाज मायने हैं ये याद करने हैं ज़ुबानी। कुआं, ज़मीन में पानी के लिए खोदा हुआ गहरा गड़ा, ऐसा कुआं ऐसे गड्ढे को कहते हैं जिसमें पानी होता है और ज़मीन में उसको गहरा खोदा जाता है। शिद्दत, सख्ती, तकलीफ़ या ज़्यादती, बेताब, बेचैन या बेकरार, सलूक, बर्ताव, किसी से पेश आने का तरीका, सवाब, नेक काम का बदला जो अल्लाह की तरफ से मिले, नसीहत, भलाई की बात। ये क्वेश्चन आपने इसको अपनी बुक पे सॉल्व करना है, और ये भी आपकी दोनों क्वेश्चन बुक पे सॉल्व होंगे और अल्फाज मायने आपको ज़ुबानी याद करने। हमारा अगला सबक है इस्लामियात। इस्लामियात में हम पढ़ रहे हैं कुरान मजीद। कल हमने इसके 4 क्वेश्चन किए थे, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है। इरशाद इलाही है, इसे कुरान को पाक साफ लोगों के सिवा कोई ना छुए। कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान मजीद की पहली सूरत कौन सी है, सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। कुरान मजीद की आखिरी सूरत कौन सी है, सूरत अन्नास कुरान मजीद की आखिरी सूरत है। ये तीनों क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं जैसे आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपने चैप्टर का नेम, फिर क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद उसका आंसर। तीनों क्वेश्चन और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने 4 किए थे ये आपने अपनी कॉपी पे नीटली लिख कर इनको ज़ुबानी अच्छी तरह से याद करना है। आर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मैथ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 92। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन के लिए सिंपल पैटर्न है, हमारे पास 3 अमाउंट्स होती हैं और एक डिवाइड करने वाली होती है और एक जिसको डिवाइड करना होता है वो होती है। जैसे 28 डिवाइडेड बाय 4, अब इसमें हमें 4 को डिवाइड करना है 28 पे, तो डिवाइड करने के लिए हम करेंगे कि 4 का टेबल 28 तक पढ़े, मतलब इतने उस डिजिट तक पढ़ेंगे जब तक 28 नहीं आ जाता। तो अगर आप अपनी टेबल बुक से हेल्प ले सकते हैं, आप 4 का टेबल पढ़ेंगे, 7 तक जब आप 4 का टेबल पढ़ेंगे तो वो 28 आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट जो आपकी ब्लैंक होगी वहाँ पे आपका आंसर आएगा 7। उसके बाद 36 डिवाइडेड बाय 9, 9 के टेबल पे आप 9 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे तो आपके पास 36 आंसर आएगा। आप 9 का टेबल जब 4 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 36 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4। उसके बाद आपके पास है 90 डिवाइडेड बाय 9, आप 9 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो 9 टेंस आ 90, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 10। 10 के टेबल 10 डिवाइडेड बाय 2, आप 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो आपके पास 10 आएगा। ये सब आप अपनी जो टेबल बुक है उससे हेल्प ले सकते हैं। आपको 2 का टेबल पढ़ना है 10 तक, 2 5 10, तो यहाँ आपके पास आंसर आएगा 5। देन 9 डिवाइडेड बाय 81, अब 9 का टेबल कहाँ तक आप पढ़ेंगे तो 81 आएगा, 9 9 81, यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इन 25 डिवाइडेड बाय 5, नंबर 25 इज़ दैट वियर, ट्रू और फॉल्स। अगर आप पीछे अपनी बुक के देखेंगे पेज तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है डिविडेंड, डिवियर और क्वेश्चन क्या होते हैं। डिवियर होता है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, डिविडेंड
डिविडेंड होता है जिसको हमने डिवाइड करना होता है, डिवीजर जो होता है जिसको हमने मल्टी डिवाइड करना होता है, डिविडेंड मतलब जिसके साथ हमें डिवाइड करना है, और क्वेश्चन मतलब जो हमारा आंसर आएगा, जो सा टेबल जैसे हम 3 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 3 हो जाएगा डिवीजर, 21 हो जाएगा डिविडेंड और 7 हो जाएगा क्वेश्चन। इसी तरह इसी की हेल्प से आप ये वाले सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो 25 जो है हमारे पास डिवीजर नहीं होगा, डिविडेंड होगा, 5 डिवीजर होगा, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ वी डिवाइड 40 बाय 5 देन क्वेश्चन इज 8। अब आप 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो आपके पास 40 आंसर आएगा, 8 तक, 5 8 सा जब आप करेंगे तो आपके पास 40, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। इफ वी डिवाइड 16 बाय 4 द रिमाइंडर इज 0, जब आप 16 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो आपके पास रिमाइंडर 0 होगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ, 16 अंदर जाएगा और 4 बाहर आएगा, ठीक है, ये हमारी सी वाली स्टेटमेंट है। 4 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे तो आपके पास 16 आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ 16। अब आपको इन दोनों को माइनस करना होता है, तो आप 6 में से जब 16 में से 16 माइनस करेंगे तो 0, तो ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। उसके बाद डी है, इफ 42 इज डिविडेंड एंड 7 इज द क्वेश्चन देन डिवीजर विल बी 8। अब आप देखिए आपके पास 42 जो है वो डिविडेंड है, तो आप 42 को किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास जो डिवीजर है, डिवीजर वो होता है जिसको हमने डिवाइड करना होता है, और क्वेश्चन जो हमारा आंसर आता है, और डिविडेंड जो हम जिससे हमने करना है, जैसे ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है, सॉरी ये डिविडेंड है और ये क्वेश्चन है, तो अगर हमारे पास 42 है डिविडेंड मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, 42 हमारे पास है डिविडेंड और हमारे पास 7 जो है वो क्वेश्चन है। अब अगर हम बाहर 8 रखेंगे तो आप 8 का टेबल पढ़ें, 8 के टेबल में 42 आता है या नहीं, तो आप टेबल बुक में जब आपने टेबल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 8 के टेबल को जब हम 7 तक पढ़ते हैं तब हमारे पास आंसर 42 नहीं आता, ये फॉल्स है। 5th one इज 37 डिवाइडेड बाय 1, जब भी कोई अमाउंट 1 के साथ डिवाइड की जाती है तो वो एज इट इज रहती है, वो चेंज नहीं होती, तो ये हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 8 डिवाइडेड बाय 8 इज, जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। देखें जहाँ यहाँ पे हमने 37 को 1 के साथ डिवाइड किया था तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा ना, तो जब हम 8 और 8 को करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। सेकेंड इज द क्वेश्चन इज 18 डिवाइड बाय 3 इज, जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 18 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आप 3 का टेबल पढ़ें 18 तक और उसके बाद आपके पास आंसर आता है 6, 3 6 18। उस नेक्स्ट सी इज 49 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल 7, अब हम 49 को किसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। 49 को जब हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 7। डी वन इज 30 apples were equally divided among 5 boys, ईच बॉय विल गेट कितने, अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम, 30 apples हैं हमारे पास और डिवाइड हमने करने हैं 5 boys में, तो 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, 30 अंदर चला जाएगा। अब 5 जो है, 5 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे तो आपके पास 30 आंसर आएगा, 5 6 ज़ा 30, तो ये अब 6 boys के अंदर डिवाइड होंगे तो 6 apples जो है ईच बॉय को आएंगे, ठीक है, तो आपका आंसर है 6 apples। 5th one इज 84 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 84। जब भी कोई वो डिवाइड करते हैं हम 1 के साथ किसी भी नंबर को तो वो एज इट इज रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व द फॉलोइंग, ये सिंपल डिवीजन के जिस तरह हमने अभी ये किए वैसे ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 40, अब आपको 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है तो आपके पास आंसर आएगा 42। आपने अपनी बुक जो आपके पास टेबल बुक होती है आपने उधर से देखना है, 6 7 ज़ा 42, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 7, ये आपका आंसर है और ये आपका बनता है रिमाइंडर। यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर की हमें नहीं है ज़रूरत, तो हम लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं, आपको सिर्फ आंसर यहाँ पे 7 लिखना है बॉक्स में, सॉल्व करेंगे इसको उसके बाद आप यहाँ लिख देंगे 7 बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा 5 डिवाइडेड बाय 25, अब हम 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 25 आंसर आ जाएगा, 5 5 सा 25।
फाइव. तो यहाँ पे आपने क्या आंसर लिखना है, फाइव. इसी तरह सेम पैटर्न से आपने बाकी सारे करने हैं. नाइन का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, हमारे पास 27 आंसर आता है. एट का टेबल हम कहाँ तक, एट टू जा 16, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा. सिक्स का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, ये आपने अपनी टेबल बुक की हेल्प से सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन. उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर. अब यहाँ पे वो हमसे रिमाइंडर भी मांग रहे हैं. रिमाइंडर मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले वाला आप देखें, 5 डिवाइडेड बाय 28. अब हमारे, अगर आप अपनी टेबल बुक देखें तो हमारे पास 5 के टेबल पे 28 कहीं पे भी नहीं आता. क्या आता है हमारे पास, 5 5 सा 25. जब हम बाहर का कोई भी टेबल पढ़ रहे होते हैं और अंदर जो हमारी अमाउंट होती है, अगर हमारे टेबल में उस अमाउंट जितना कोई नंबर नहीं आ रहा, तो हम उससे जो लीस्ट छोटा होता है, जो सबसे पहला कम छोटा आएगा ना, वो हम ले लेंगे. जैसे अब 25 के बाद 20 भी आता है, लेकिन नहीं, 28 के बाद सबसे पहले 25 आता है, तो हम 25 को यहाँ पर लिखेंगे. अब 5 5 से 25, 28 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आंसर बचेगा, 3. तो 3 हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर, मतलब जो हमारे पास बच जाता है डिवाइड करने के. उसके बाद आपकी ये बाकी सारे सॉल्व क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह होंगे, सेम पैटर्न से. हम सी वाला कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 22. अब आपने 3 का टेबल पढ़ना है तब तक जब तक आपके पास 22 नहीं आ जाता. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 21, 3 7 जा 21. अब आपने यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 7 21. अब जब हम इसको माइनस करेंगे, 2 में से माइनस किए 2 0 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस किए 1, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचता है, 1. यहाँ पे आपने इसका आंसर ऊपर लिख देना है और नीचे लिख देना है. आपको ये बेसिकली जो आंसर है वो इस तरह, इस पैटर्न से लिखने हैं, 7 रिमाइंडर 1, यहाँ बॉक्स में. बाकी भी सब इसी पैटर्न से होंगे. आपने सेम इसी पैटर्न से अपनी जो टेबल बुक है उसकी हेल्प के साथ इसको सॉल्व कर लेना है. आगे क्वेश्चन नंबर 7, ये सब क्वेश्चन आपकी बुक पे सॉल्व होंगे. बेशक ये जो रफ वर्क है आप किसी पेज पर या अपनी कॉपी पर कर लें, या फिर अगर यहाँ पे आपकी जगह है तो यहाँ पे कर लें. क्वेश्चन नंबर 7 इज, राइट द क्वेश्चन शोइंग द रिमाइंडर वेयर नेसेसरी वन हैज बीन डन फॉर यू. ये भी हमारे जो है उसी पैटर्न से आंसर लिखने हैं जैसे हमने 5 वाले में लिखे हैं. जैसे 5 डिवाइड, यहाँ पे आपने, उन्होंने सॉल्व कर दिया है, 5 51 डिवाइडेड बाय 10, 10 5 सा 50 और 1 हमारे पास यहाँ बच जाएगा. अब बी वाला है हमारे पास 243 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल. अब यहाँ हम इससे 10 को बाहर ले आएंगे, क्योंकि 10 हमारी छोटी अमाउंट है, हमेशा छोटी अमाउंट जो है वो डिवाइड होती है. 2 और 43, ठीक हो गया. अब 10 के टेबल, जब हमारे पास अंदर जो नंबर है वो 3 या 2 या 4 हो जाए, तो फिर हम उसको अलग अलग कर लेते हैं. अगर तो ये अमाउंट बड़ी हो तो ठीक है, अगर नहीं तो हम पहले इन दोनों को कर लेते हैं. अब 10 के टेबल पे 24 आता है, नहीं, 10 2 सा 20. जब हम इसको माइनस करेंगे, 2 में से 0 आ जाएगा, 4 में से 0 माइनस किया तो 4. अब ये जो 3 है हम नीचे ले आएंगे. 10 के टेबल पे 43 आता है, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40. यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 40. 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3. अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह, 24 रिमाइंडर 3. ये आपने यहाँ पे इसके आगे सॉल्व कर देना है. इसी तरह मैं आपको दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ. जैसे हमारे पास यहाँ पे है ईव में 408 डिवाइडेड बाय 10, तो हम इसको भी सेम पैटर्न से करेंगे. 10 बाहर आ जाएगा, 408 जो है हमारे पास अंदर हम लिख लेंगे. 10 के टेबल पे अगेन हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, 10 के टेबल पे 40 आता है, 10 4 सा 40, ठीक हो गया. अब 8, अब क्योंकि 8 10 के टेबल पे कहीं नहीं आता, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह होगा, 4 रिमाइंडर 8, ठीक हो गया. इसी पैटर्न से आपने बाकी ये रफ वर्क साइड पे या कॉपी पे करके आपने आंसर जस्ट अपनी बुक पे लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग द ब्लैंक्स. अब उन्होंने आपसे पूछा है कि यहाँ पे उन्होंने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई हैं. जैसे आपके नोट्स जो होंगे आपको पता होगा उसमें आंसर होंगे. 78 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर जो है 7 रिमाइंडर 8 आ जाएगा. अगर आप 10 के साथ 78 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा 10 7 सा 70
और 8 जो है हमारे पास बचेगा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 रिमाइंडर 8, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है डैश डिवाइडेड बाय 62 रिमाइंडर 4। अब यहाँ पे आप किस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर यहाँ पे लिखा होगा। जब हमारे पास अब देखें 62 और 4 आ रहा है, तो हम सबसे पहले 64 ले लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 6 24, 10 के टेबल पे 10 सिक्स 60, 2 यहाँ माइनस और 4, देन 10 टू ज़ा 20 और 4 यहाँ से माइनस, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 62 रिमाइंडर 4, तो आपके यहाँ पे आंसर आएगा 624। सी में भी 940 को हम 10 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कुछ इस तरह होगा, 94 रिमाइंडर 0। 9 के टेबल पे, क्योंकि 10 के टेबल पे अगर आप देखेंगे तो 94, 10 9 ज़ा 90 और उसके बाद 4 एज इट इज़, जो 40 है वो नीचे आ जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपने इसको इस तरह लिख लेना है, उसके बाद 10 9 ज़ा 90, जब 94 में से हमने 90 माइनस कर देने हैं तो हमारे पास बचेगा 4, देन 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, उसके बाद 10 4 ज़ा 40, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 10 4 ज़ा 40, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 94 रिमाइंडर 0। बाकी क्वेश्चन जो है आपने इसी तरह सॉल्व करके अपने बुक पे कर लेने हैं, आंसर्स जो हैं वो आपके नोट्स पे दिए हैं और आपने इनकी प्रैक्टिस डिवीजन की अच्छी तरह से करनी है, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको करवाए हैं आज ही आपकी बुक पर सॉल्व होंगे।